हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यहाँ स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। ये वीडियो बेसिकली बेस्ड है D2D रिजल्ट्स को लेके कि आप लोग बहुत लगातार टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी तरीके हैं मेरे से कांटेक्ट करने के, आप उस तरीकों का इस्तेमाल करके ये पूछ रहे हैं कि सर D2D के रिजल्ट्स कब आएंगे। मीन्स जो आपने 26 जून को जो एग्जामिनेशन आपने दिए हैं D2D के रिलेटेड, डिप्लोमा से बीटेक जाने के लिए सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में, तो आपका लगातार वही सवाल है कि आप कैसे आपका रिजल्ट्स आएगा, कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। तो मैं आपको एक नॉर्मल ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था कि आप तक वो जानकारी कॉमनली पहुंचाई जा सके कि बेसिकली D2D के रिजल्ट्स जल्दी आ जाएंगे, आज नहीं तो कल। अब पेशेंस रखें 10 दिन 15 दिन, क्योंकि आपको ही पता है कि झारखंड के काउंसलिंग थोड़ा बेसिकली बाकी सब स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा स्लो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप D2D के रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब भी आएगी मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आएगी, चाहे टेलीग्राम में चाहे इंस्टाग्राम, मतलब आपको हर जगह से अपडेट्स मिल जाएंगे। तो मैं बेसिकली यही बोलने का मतलब, आप टेलीग्राम और चैनल में अपडेटेड रहिए, ठीक है। अब D2D के जब रिजल्ट्स आएंगे आपको आपके रैंक पता चल जाएंगी, आप फिर रैंक के हिसाब से आप मुझे मैसेज करिएगा टेलीग्राम में या जो भी यूट्यूब वीडियोज के कमेंट्स आप करिए, मैं देख ही रहा हूँ सबके कमेंट्स, और जैसे जैसे जरूरत के हिसाब से मैं उन सबके कमेंट्स के जवाब भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे टेलीग्राम में मैं सबको बात कर रहा हूँ, बहुत लोग कॉल में बात करना चाह रहे हैं तो मैं टेलीग्राम कॉल पे के थ्रू भी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो हर तरीका से हम कांटेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से। और अगर आपके जब रैंक्स आ जाएंगे तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप अपने रैंक्स को मुझे बताएं एक बार। रिजल्ट्स आ जाने के बाद आप मुझे फिर बेसिकली जब मैसेज करेंगे तो फिर धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, मतलब क्या काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग रख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोसेसेस पता है। नहीं पता है तो मैं अभी यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि रिजल्ट्स आने के बाद आपको सबसे पहले फिर आएगा काउंसलिंग का एक नोटिस आएगा कि भाई इस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट राउंड की, फिर सेकंड राउंड की नोटिस, फिर थर्ड राउंड, फिर अगर फिर भी सीट्स बचती हैं तो स्पेशल राउंड, और फिर कोई कॉलेजेस में अपनी उन कॉलेजेस की अपने यहाँ की सीट्स बच जाती है तो वो लोग अपने यहाँ स्पॉट काउंसलिंग कराती हैं, ठीक है। जैसे जिस कॉलेज से मैं पढ़ के जस्ट अभी निकला यूसेट में स्पॉट काउंसलिंग होती है, तो वो बात की बात है कि वो तभी होगी जब वहाँ पे सीट्स बचे रहेंगे, तब वो कॉलेज अपने सीट्स को कंप्लीट फुल करने के लिए स्पॉट काउंसलिंग खुद वो अपने यहाँ कराती है। तो वो बात की बात है, मैक्सिमम आपको फोकस करना है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, थर्ड राउंड तक में तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के क्या बोलते हैं सीट्स कंप्लीटली फुल हो जाएंगे। तो उन चीज़ से बचने के लिए भैया फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा कि चॉइस फिलिंग में चॉइसेस रखी जाती है कि आप अपने रैंक के हिसाब से फिर चॉइसेस रखें कि आपको कौन कॉलेज चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, रैंक क्या होना चाहिए, सॉरी ब्रांचेस क्या आप रख सकते हैं। तो बेसिकली मोटिव ये है मेरा बताने का कि आप ब्रांचेस, आज तो 2020 के बाद से नोटिस में ये आ चुका है कि आप ब्रांच को स्किप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ब्रांच से आ रहे हैं तो आप इजिली किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं। अगर आप एग्जांपल मैं आपको देकर समझाऊं तो आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल के अलावा भी जितने भी अदर ब्रांचेज हैं जो भी अवेलेबल है उस काउंसलिंग के लिस्ट में, आप उन हर एक ब्रांचेज में जा सकते हैं। अगर आपको अपनी रैंक लग रही कि आपको ये ब्रांच मिल सकता है तो जा सकते हैं। जैसे बहुत लोग CSE IT की ओर भाग रहे हैं, चाहे किसी भी ब्रांच से आ रहे हो लेकिन CSE IT उनका फर्स्ट प्रायोरिटी दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि आज के टाइम IT कंपनीज अच्छी खासी बूम में है, तो कैंपस प्लेसमेंट्स के मामले में बढ़िया है। और बेसिकली कल मैं वीडियो निकालने वाला हूँ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ऐसे कल की ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी, चाहे उस वीडियो के बाद होगी तो पहले हो गया, और अगर ये पहले आ रही है उस वीडियो से तो ये बात की बात है। तो रोहित और सक्षम की एक इंटर्न वीडियो है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सीरीज पे कि कैसे हम लोगों ने, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं आए थे, तो ऑफ कैंपस हम लोगों ने कैसे प्लेसमेंट किए, उस पर ये एक पहला पार्ट है। फिर उसके बाद और भी पार्ट्स आते रहेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन तो जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी वीडियोज आएंगी तो आपको अपडेट्स मिलनी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्विटर, लिंक्डइन, और मैं आपको ये बताऊंगा कि वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए जब आप बीटेक में आ रहे हैं, या फिर आप अपने सीनियर्स को शेयर करिए जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है और उनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आते, क्योंकि प्लेसमेंट्स आएंगे भी तो बहुत लिमिटेड आएंगे झारखंड में, ठीक है, बहुत लिमिटेड, कि आपको सबको नहीं मिलने जा रहा। तो सबको मिलने का एक ही तरीका कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सीरीज में हिस्सा लें, ऑल इंडिया पैन इंडिया आप अप्लाई करें, बड़े बड़े IT कंपनीज में कैपजेमिनी, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ठीक है, फिर कॉग्निजेंट, ये सब एसेंचर, ये सब सारी कंपनीज में आप अप्लाई करें, फिर उनके फॉर्म भरें, एग्जामिनेशन दें, कैसे हम लोगों ने टैकल किया, हम लोगों ने कैसे दिया इंटरव्यू, दिया कैसे हमें मिले, फिर हमारा ज्वाइनिंग कुछ दिन में हो जाएगा, फिर तो वो सब चीज़ें उन सब वीडियोज़ में है। तो वो वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा, अपने सीनियर्स को भेजिएगा, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें D2D पे, अगर टॉपिक पे वापस आते हुए, तो D2D में बेसिकली वही मैंने आपको बताया, चॉइस फिलिंग होगी, चॉइसेस रखेंगे, फिर मैं आपको यही बताऊंगा उस जब काउंसलिंग आएगी कि कैसे आपको आपके रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेजेस, कौन से क्या प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी चाहिए। तो आप चैनल्स के साथ अपडेटेड रहिएगा,
और बेसिकली ब्रांचेस पे बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आप जिस ब्रांच से आ रहे हैं तो बेसिकली आप उसी ब्रांच में रहे तो ज़्यादा बेहतर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप आईटी कंपनी में चले जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाते ही आप सारे कोर पेपर्स को ही डायरेक्टली पढ़ेंगे, और अगर आप किसी और अदर ब्रांच से आ रहे हैं और डायरेक्टली CSE IT में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कोपअप करने मुश्किल होगा। अगर आपने आज तक CSE IT में कुछ नहीं पढ़ा तो आपको बहुत दिक्कत होने जा रहा है अगर आप डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर पे जाते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें, और बेसिकली वैसे तो CBSE के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ अभी आएंगे कि हाँ भाई रिजल्ट्स के बाद 10th और 12th के बच्चों को क्या करना चाहिए, फिर BTech फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, फिर लगातार इंटरव्यू जो मैंने लिए हुए हैं दोस्तों के साथ वो सब वीडियोज़ धीरे धीरे प्लेस्ड होते जाएंगे। मतलब ये काफ़ी एकदम बिजी होने वाला है 2-3 महीना जिसमें आपको हर एक टाइम वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप चैनल के साथ एकदम अपडेटेड रहिए। कब आपके काम की वीडियो, वैसे तो सारी वीडियोज़ आपके काम की हैं लेकिन कब आपको जिस वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो कब आ जाएगी, इसलिए उसको जानने के लिए आपको तो चैनल को सबसे पहले अपडेट रहना होगा। मींस आपको नोटिफिकेशन आइकन डाल के रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि अच्छा ये वीडियो आ गई, आपको देखनी, आप जाके देखो, ठीक है। शेयर करने अगर आपको पसंद आया तो लिटरली लाइक करिएगा, क्योंकि काफी एफर्ट्स लगती हैं आपके लिए वीडियो बनाने में, तो एक लाइक से कुछ नहीं जा रहा और एक लाइक से हमें वो मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई ये वीडियो हमने अच्छा बनाया, लोगों को पसंद आ रही है, तो इस तरह से और हम लोग बनाते चले जाएंगे, फिर लाइक आने से अच्छा लगता है। तो इसलिए आप उसको शेयर करें, दोस्तों को भेजें, अपना आपका बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, आपके अपने दोस्तों के बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं, तो सब में शेयर और करें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ही, आप रोहित की कक्षा ऐसे भी सर्च करें और ज्वाइन करके रखें, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर कभी कभी बहुत लोग यूट्यूब में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं, बिल नहीं दबाते हैं, तो टेलीग्राम से उनको अपडेट मिल ही जाता है, तो वो चीज़ें हैं। तो डे टू डे के लिए आप एकदम टेंशन ना लें, आप एकदम निश्चिंत रहें, जब भी कोई भी अपडेट आएगी मैं रहूँगा सबसे पहले आपको वीडियोस बना के आपको सबसे पहले आपके पास पहुँचा दूंगा। बाकी आपको कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप इजीली कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप और कहीं भी आप सहारा ले सकते हैं, मेरे मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे रिप्लाई उसके, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू, बाय।